हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पांचवा वीडियो है झारखंड एसएससी सीजीएल को लेके, या फिर जिसे आप झारखंड सचिवालय भी कहते हैं, इसको लेके ये हमारा पाँचवा वीडियो है। इससे पहले चार वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको वो मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको झारखंड जीके के भी पांच वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करवाए गए हैं। इसके अलावा आपको मिक्स क्वेश्चन के भी मिल रहे हैं, जिसमें सभी अलग अलग चीज़ों के मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जल्द ही आपको अन्य सब्जेक्ट से भी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली घंटी भी दबा दें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलें जब भी कोई वीडियो हमारा अपलोड हो। और अगर आपने उन चार वीडियोस को देखा है, उन आपको अपने उनके क्वेश्चंस याद कर लिए हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि महेंद्र सिंह धोनी किस बटालियन के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभी महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद, क्रिकेट वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद, उन्होंने 2 महीने की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया था। कहाँ? आर्मी बटालियन में। तो किस बटालियन में? आर्मी में अलग अलग बटालियन होते हैं, तो किस बटालियन के साथ उन्होंने ट्रेनिंग लेने को किया था, या फिर वो किस बटालियन में ट्रेनिंग ले रहे हैं? तो इसका सही आंसर है पैराशूट रेजिमेंट बटालियन, पैराशूट रेजिमेंट बटालियन। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसकी जो स्थापना है ये 1945 में हुई थी, ठीक है। और इसका अगर हम रेजिमेंटल सेंटर की बात करें तो ये बेंगलोर में है। इसका चाहे हम इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो पैराशूट रेजिमेंट बटालियन का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलोर में है। और इसका जो निक नेम है, यानी कि जो पैराशूट रेजिमेंट बटालियन का है, तो इसका है द पाराज रेड डेविल्स। याद रखेंगे आप द पारस या फिर रेड डेविल्स, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी से ही रिलेटेड है कि महेंद्र सिंह धोनी को पारामिलिट्री फोर्स की ओर से कौन सी पद दी गई थी, कौन सा पद इन्हें दिया गया था। तो इन्हें दिया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल का पद, लेफ्टिनेंट कर्नल का पद। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ ताकि आप उससे अच्छे से, और भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप उनका आंसर कर सकें। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को 1 नवंबर, याद रखेंगे आप डेट, याद रखेंगे आप 1 नवंबर 2011 को पैराशूट रेजिमेंट का जो इन्फेंट ये बटालियन है, इसका 106 बटालियन में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया था। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इसमें बटालियन होते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को 106 बटालियन में मिला था, क्या मिला था इनको? लेफ्टिनेंट कर्नल का पद मिला था 1 नवंबर 2011 को। और इन्होंने ट्रेनिंग कब से करना शुरू किया था अगर पूछ लिया जाए तो इन्होंने 31 जून से 15 अगस्त तक इन्होंने ट्रेनिंग किया था। तो अप्रोक्स 2 महीने के आसपास इनकी ट्रेनिंग करने को इन्होंने अपना फैसला लिया था। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड पुलिस में पहाड़िया समुदाय के लिए कितने बटालियन का गठन किया गया है। पहाड़िया समुदाय के लिए ये स्पेशल है, जो पहाड़ी झारखंड, आपको पता ही होगा कि पहाड़िया समुदाय पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, और ये जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं ये लड़ाकू यानी कि लड़ने में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी और मुगलों के समय में भी इनका काफ़ी यूज़ किया जाता था अपने सेना के क्षेत्र में। तो झारखंड पुलिस ने इसी में आगे चल के इनके लिए स्पेशल एक बटालियन गठन किया है, वो उसमें 2 बटालियन जो है इनके नाम पे गठन किया गया है, ठीक है। और इनका नाम क्या दिया गया है? तो इनका नाम दिया गया है IRB 6 और IRB 7,
याद रखेंगे आप। आईआरबी 6 का जो हेडक्वार्टर है ये होगा कहाँ पे, दुमका में, और आईआरबी 7 का जो हेडक्वार्टर है ये होगा खूंटी में, याद रखेंगे आप। इसमें 8800 पद होंगे, दोनों में 8800 पद होंगे, जिसमें से 488 पद जो है ये जीडी कांस्टेबल का होगा और बाकी पद जो है वो टेक्निकल होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप। इससे पहले आपको पता ही होगा कि आईआरबी की वैकेंसी आई थी, तो एक और वैकेंसी आएगी इसमें ज़्यादातर, और इसमें आएगी क्या, वो आ चुकी थी, वो डायरेक्ट इनके लिए ही बहाली निकला था, ये पहाड़िया समुदाय के लोगों के लिए, जिसमें बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था और वो 7th पास पे ही रखा गया था, 7th पास, ठीक है। तो आई होप ये आपको काफ़ी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि वन सर्वेक्षण विभाग 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन है। अब देखिए, सबसे पहले मैं भौगोलिक क्षेत्रफल आपको समझा देता हूँ। भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि वो जिला जिसने एक जितने एरिया में फैला हुआ, जैसे कि मान लीजिए अगर वो 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो अगर वहाँ पे 50 किलोमीटर में वन है, 50 किलोमीटर में क्या है, जंगल है, तो 50% हम इसे कहेंगे। तो यहाँ पे यही मतलब है कि परसेंट के मुताबिक उस राज्य को जितना वन मिला है उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, उस राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है, उस राज्य का नहीं, उस जिले का, उसके परसेंट के हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा है भौगोलिक दृष्टि से, ये वन सर्वेक्षण विभाग 2019 के अनुसार है, ये लातेहार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जिलों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि देखिए सबसे ज़्यादा है लातेहार में, कितना है तो 56.02%, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कौन, दूसरे नंबर पे आता है चतरा, कितना है यहाँ पे, यहाँ पे है 47.5%, और उसके बाद आता है पश्चिमी सिंहभूम कितना है, 46.59%। ये टॉप थ्री हैं, आप इन सभी को याद रखेंगे, कौन कौन है, सबसे पहले लातेहार, फिर चतरा और फिर पश्चिमी सिंहभूम। वहीं अगर हम लोएस्ट की बात करें, सबसे नीचे से अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आता है जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा में 5.36% ही जंगल है। उसके बाद आता है देवघर, ठीक है, देवघर में क्या है, देवघर में सिर्फ 8% पे ही जंगल है, 8.16%। और फिर आता है धनबाद में भी जंगल बहुत कम है, मात्र 10%। तो याद रखेंगे आप, जामताड़ा में ये लोएस्ट में 1 नंबर पे 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ये सभी आ रहे हैं, तो याद रखेंगे आप। इसके अलावा देखिए, ये तो पूरे स्टेट लेवल पे होता है, पूरे सभी स्टेट्स पे, तो झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में इससे पहले जो है 29.5% ही जंगल था, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है और 30.21% जो है यहाँ पे जंगल अब हो गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम अपना पर्यावरण का बैलेंस बना के रखना चाहें तो कितना जंगल होना चाहिए, तो 1/3 जंगल होना चाहिए, यानी कि जितना भी क्षेत्र है उसके 1/3 भाग में अगर जंगल रहता है तो वहाँ का अच्छा रहेगा, वो वहाँ के लिए अच्छा माना जाता है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पर स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी का निर्माण, तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है धुरवा रांची में, कहाँ किया जा रहा है, धुरवा रांची में किया जा रहा है। अभी देखिए, स्मार्ट सिटी है तो ये जो स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, तो ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि अभी जो स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस चलती है, तो इसमें ये जो अपना रांची है, ये सभी रांची है, लेकिन ये जो धुरवा में जो बन रहा है, क्योंकि देखिए रांची बहुत बड़ा है, अब सभी जगह को तो स्मार्ट सिटी में डेवलप नहीं किया जाता, एक सिटी को चूज किया जाता है, तो धुरवा सिटी को चूज किया गया है जिसे रांची ही कहा जा रहा है। तो ये जो है तीसरे नंबर पर आ गया है पूरे देश में प्रोग्रेस के मामले में, ठीक है। क्या है कि सबसे पहले नंबर पर है अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर है नागपुर और तीसरे नंबर पर है धुरवा रांची, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6th क्वेश्चन कि निम्न में से किसे भारतीय तीरंदाजी का अध्यक्ष चुना गया है। झारखंड तीरंदाजी होगा, ठीक है, नाम ध्यान देंगे यहाँ पे, झारखंड तीरंदाजी, ठीक है।
ये भारतीय हटा के आप यहाँ पे झारखंड कर लेंगे। हाँ, झारखंड तीरंदाजी संघ का जो अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है अर्जुन मुंडा को, अर्जुन मुंडा को। अभी देखिए ये बने हैं कौन, अध्यक्ष। इसके अलावा कुछ और पद भी होते हैं जहाँ पे चेंज हुए। देखिए एक वरीय उपाध्यक्ष होता है, वरीय उपाध्यक्ष, तो ये बने हैं नेहा महतो और केएन सिंह। ठीक है, नेहा महतो और केएन सिंह बने हैं क्या, वरीय उपाध्यक्ष। उसके अलावा सुमंता चंदा मोहंती और दिनेश कुमार, सुमंता चंदा मोहंती और दिनेश कुमार उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और पूर्णिमा महतो जो हैं ये महासचिव बनी हैं। याद रखेंगे आप, अर्जुन मुंडा मुंडा अध्यक्ष बने हैं, नेहा महतो और के एन सिंह वरिया उपाध्यक्ष बने हैं, सुमंता चंदा मोहंती और दिनेश कुमार ये दोनों लोग उपाध्यक्ष बने हैं, और पूर्णिमा महतो जो हैं ये क्या बने हैं, ये क्या बनी है, ये महासचिव बनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि रांची स्थित प्रभात तारा मैदान का नाम बदल कर क्या रखा गया है। रांची स्थित पहाड़ प्रभात तारा, आपको पता ही होगा कि प्रभात तारा मैदान में ही इस बार जो 21 जून को योगा दिवस हुआ था, तो यहीं पे इसका ऑर्गेनाइज किया गया था, हमारे सीएम साहब यहीं पे आए थे। तो इसका जो नया नाम बदल के रखा गया है वो रखा गया श्री जगन्नाथ HEC मैदान, और इसका नाम परिवर्तन किया किसने है, तो HEC के जो CMD हैं MK सक्सेना, उन्होंने ही इसका नाम बदला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि AK राय, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो AK राय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि AK राय जो है ये राजनीतिक में थे, राजनीतिक थे, पॉलिटिक्स में थे ये। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई है 21 जुलाई 2019, 21 जुलाई 2019 को। इनका जन्म हुआ था 1928 या 29, ये थोड़ा विवाद है, लोगों को श्योर पता नहीं है, तो 1298 कहीं कहीं आपको 1298 1928 मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 29 मिल जाएगा, तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड के राजनीतिक संत AK राय कितनी बार सांसद रह चुके हैं, तो ये यहाँ से दो बार, सॉरी तीन बार सांसद रह चुके हैं, तीन बार सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, ये तीन बार रह चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए AK राय तो आपने सभी सुना होगा, इनका पूरा नाम क्या है, किसी को पता है, तो देखिए इनका पूरा नाम था अरुण कुमार राय, इनका पूरा नाम था, और AK राय के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, इनको इनकी अगर हम एडुकेशन की बात करें, तो इनकी एडुकेशन में ये केमिकल इंजीनियर थे, आपको पता होना चाहिए, ये केमिकल इंजीनियर थे। और इनकी जो मौत हुई है, इनकी जो मृत्यु हुई है, वो कहाँ हुई है, धनबाद में ही हुई है, धनबाद के हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं कि समाज संस्कृति और झारखंड पुस्तक के लेखक कौन है। समाज संस्कृति और झारखंड पुस्तक के लेखक है ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद। आगे है कि आदिम जनजातियों के आवास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ये योजना चल रही है बिरसा आवास योजना, बिरसा आवास योजना। ये काफ़ी पुराना योजना है, लेकिन अभी कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं, इसीलिए इसको ये फिर से अभी न्यूज़ में आया है। तो याद रखेंगे आप कि बिरसा आवास योजना किसके लिए है, तो ये आदिम जनजातियों के लिए है, आदिम जनजातियों के लिए, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य में झारखंड की जनजातीय संस्कृति और कला का संरक्षण हेतु किस भवन का निर्माण कराया जा रहा है, तो इसके संरक्षण के लिए धूमकुड़िया भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, धूमकुड़िया भवन, जहाँ की जहाँ पर जनजातीय संस्कृति और कला का संरक्षण किया जाएगा। और ये कहाँ, सबसे पहला धूमकुड़िया भवन कहाँ बन रहा है, तो ये रांची में बन रहा है, और रांची में कहाँ बन रहा है, तो रांची में करम टोली में बन रहा है, रांची के करम टोली में, याद रखेंगे आप, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप बनाते चलें। ठीक है, रांची के करम टोली में। आगे है कि झारखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, झारखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है, तो एकलव्य विद्यालय बन रहा है गढ़वा में, कहाँ बन रहा है, गढ़वा में। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एकलव्य विद्यालय जो है ये पूरे भारत में 462 एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे, जिसमें से जो इस 462 की अगर हम बात करें तो सिर्फ झारखंड में 69, सिर्फ झारखंड में ही 69 ये एकलव्य विद्यालय जो है ये बनेगा, ध्यान रखेंगे आप इसे।
और ये क्या है, तो झारखंड या फिर पूरे देश में जहाँ भी जिस प्रखंड में भी 50% से ज़्यादा अगर वहाँ के जो आदिवासी हैं वो रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय बनाया जाएगा और उसकी जो शिक्षा, ये नवोदय विद्यालय आपने नाम सुना होगा, उसी के तहत वहाँ पे उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा। और इसमें पढ़ाई कहाँ तक करवाई जाएगी, तो 10+2 तक करवाई जाएगी, 12वीं तक उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। आगे है कि झारखंड में एस्ट्रोटर्फ हॉकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है। एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टर्फ होता है, टर्फ तो हॉकी जो खेला जाता है वो टर्फ पे ही खेला जाता है। टर्फ एक रबर का बहुत बड़ा मैट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ही खेला जाता है। आपने देखा होगा कभी भी, तो उसका कलर कभी ब्लू होता है, कभी वाइट होता है, तो वो घास नहीं होता है, वो टर्फ होता है, ठीक है, और वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो क्या होता है कि बहुत से झारखंड के जो लोग हों, बहुत से झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, हम लोग क्या करते हैं, घास पर प्रैक्टिस करते हैं, हमारे पास वैसा मैदान नहीं होता है। तो जब हम एकाएक वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ पे बैलेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है, ताकि वहाँ पे हम क्या करें, वहाँ पर अच्छे से हम ट्रेनिंग ले सकें। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है खूंटी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, खूंटी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि किस देश की कृषि के तकनीक के आधार पर अब झारखंड में खेती की शुरुआत की गई है, तो ये है इसराइल। इसराइल, ठीक है, यहाँ पे पानी के हर एक बूंद का यूज़ करना इसराइल हमें सिखा रहा है, और उसी तकनीक पे हम जो हैं झारखंड में अब खेती कर रहे हैं, और कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा उपज, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, ना कि इनऑर्गेनिक तरीके से, कैसे किया जाए, ये इसराइल से हम सीख रहे हैं। आगे है कि किस वर्ष तक राज्य सरकार किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2022 तक है। 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, ये हमारा लक्ष्य। इसके लिए कई, अभी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो बहुत सारे स्कीम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। अभी किसान सम्मान निधि, अभी सुजलाम सुफलाम योजना, इसके अलावा और भी, अभी मोबाइल फ़ोन्स के लिए जो एक्स्ट्रा 2000 रुपये दिए गए थे अभी वो, तो ये बहुत सारी योजनाएं अभी सरकार चला रही है। और सिंगल विंडो सिस्टम, ये एग्रीकल्चर के लिए ही है, आपको पता होना चाहिए। और ये डेयरी फार्मर्स को भी किसमें, किसानों के तौर पे ऐड कर दिया गया है। और मुर्गा पालन, मत्स्य पालन जो भी जो करते हैं, उन्हें भी अब फार्मर्स की कैटेगरी में रखा गया है, और उन्हें भी इसके बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे जो यूज़ हैं वो आपको बता, मतलब कि यूज़ नहीं कह रहा हूँ मैं, देखिए किसानों को जो है बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि उनका जो आय है वो दुगना किया जाए। इस बार तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जो है ऐसा पहला राज्य बना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी झारखंड राज्य की सरकार ने भरा है। ये सब चीज़ें आप याद रखें। आगे है कि हाल ही में झारखंड के किस लघु खोरटा फिल्म का चयन झारखंड राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किया गया। एक शॉर्ट फिल्म है, पिता का मान बेटियां, पिता का मान बेटियां, इसमें इनका, ये झारखंड फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन किया गया था। तो ये याद रखेंगे आप, ये खोरटा भाषा का लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, इसका झारखंड फिल्म फेस्टिवल में इसका चयन किया गया था। इसके डायरेक्टर कौन है, तो तीन लोगों ने इन्हें मिलकर डायरेक्ट किया है, विनय तिवारी, नाम याद रखेंगे आप, विनय तिवारी, फिर हैं महानंद राज और एक है अमन राठौड़, ठीक है। तो विनय, महानंद और अमन, ये तीन लोगों ने इसे मिलकर डायरेक्ट किया था। चलिए आगे है कि प्रधानमंत्री सुकन्या योजना के माध्यम से झारखंड के सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक कितने हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके यहाँ पर मैंने डाला है, 30,000 रुपये मिलेगा। अब कैसे कैसे मिलेगा ये आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ये कैसे कैसे आपको मिलेगा बेनिफिट, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि 5,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा और एक बार 10,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, तो कैसे कैसे मिलेगा आप ये मुझे कमेंट करके बताएं कि पहला 5,000 कब मिलेगा, दूसरा 5,000 कब मिलेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, जितना भी है, कितनी बार मिलेगा, आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, या फिर आप नहीं भी देख रहे हैं तो आपको पता है, आप इन चीज़ों की जानकारी रख रहे हैं।
नेक्स्ट है कि नई दिल्ली के किस स्थान पर झारखंड भवन का निर्माण कराया जा रहा है, तो ये कनॉट प्लेस में है, कनॉट प्लेस में झारखंड भवन। यहाँ पे झारखंड की बहुत सारी झलकियाँ बताई जाएंगी और झारखंड के लोगों को जो वहाँ पे जाएंगे तो उनके लिए कुछ रहने की भी सुविधा का जो है व्यवस्था किया जाएगा। आगे है कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सितंबर 2018 में निम्न में से किस देश के दौरे पर गए थे, तो ये कहाँ गए थे, चीन के दौरे पर गए थे, कहाँ गए थे, चीन के दौरे पर, और ये 5 दिवसीय यात्रा था इनका। और ये खास करके इसीलिए गए थे क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि रांची में एक संघाई पैलेस बनाया जाएगा और इसी की टेक्निक को समझने के लिए ये गए थे, ठीक है। तो जो भी है, ये उनके साथ कुछ दो अन्य नेता भी वहाँ पर गए थे। आगे है कि झारखंड को कब तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये दिसंबर 2018 तक, यानी कि पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो झारखंड खुले में शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन अब ऑन द फील्ड क्या है ये आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ जहाँ से आप हैं वहाँ पे ये ODF जो है ओपन डेफिकेशन फ्री, वो जगह हुआ है कि नहीं हुआ, आप ये मुझे एक बार आप कमेंट करके बताएं कि अगर आप रांची से हैं या फिर आप कहाँ से हैं, उन जगह को आप एक बार लिखें कि रांची ODF फ्री या फिर धनबाद ODF नॉट फ्री, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आगे है कि झारखंड में 2022 तक गेहूं की पैदावार कितने टन प्रति हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितना लक्ष्य रखा गया है, तो ये 5 टन, कितना, 5 टन प्रति हेक्टेयर जो है वो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ज़्यादा पैदावार होगी तो ऑटोमेटिकली है कि किसान ज़्यादा कमाएंगे। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अरविंद प्रसाद। कौन बने हैं, अरविंद प्रसाद, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य कुल कितने शहरों में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, तो ये जो है कुल 8 शहरों में कराई गई है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नंबर से आपको, जैसे आप कभी आपने रेलवे स्टेशन पे जाके देखा होगा, वहाँ पे आपको नंबर से अटैच करना होता है और आपको आधे घंटे के लिए हाई स्पीड डेटा मिलता है, तो यहाँ पे आपको इतना नहीं, यहाँ पे आपको 500 MB पर डे के हिसाब से उस जगह पे मिलेगा। एक बार 500 MB आपके नंबर पे समाप्त हो जाता है तो फिर आपको दूसरा नंबर अगर आपके पास है तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर आपको वो बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सर्फिंग वगैरह के लिए किया गया है, ना कि आपके एक्स्ट्रा डेटा जो कि आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं या फिर इंटरनेट पे और भी मज़े लेते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सर्फिंग के लिए है ताकि आप बेसिक चीज़ें यहाँ से कर सके। 500 MB फ्री डेटा यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का कि झारखंड में 2022 तक कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, कितने बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका अगर आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करें कि झारखंड में जो बजट पेश किया जाता है तो वर्ष 2019 में किस डेट पे बजट पेश किया गया था और क्यों, झारखंड में किस डेट पे बजट 2019 का बजट किस डेट पे पेश किया गया था और उसी दिन को क्यों, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा PDF के लिए, आप वहाँ पे जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी मन में अगर आपके सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, आप ज़रूर कमेंट करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अगर आप पूछते हैं तो मैं उसमें आपके क्वेश्चंस को, आपके क्वेरीज़ को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी फैलाएं, जितना हो सके शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।